गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। हाल काफी बेकार हो गया। यहाँ तो काफी बारिश हुई है एंड वेदर अभी फिलहाल बहुत अच्छा हो रखा है। बहुत प्यारा वेदर है। लुक लुक एट तो अभी डिसाइड कर रहे हैं कि अपन लोग डेथ वैली जाए कि नहीं जाए, क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई है। बट यहाँ से एक आइडिया लग नहीं पा रहा है, सो लेट्स सी। वहाँ पर जाकर ट्राई मारते हैं कि कैसा होगा। अगर थोड़ा सा लाइक रोड अगर थोड़ा अच्छा नहीं हुआ, थोड़ा सा अगर फिसलन हुआ या एकदम आइडिया लग गया कि अब बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, देन वहाँ से अपन लोग यू टर्न ले लेंगे। अभी फ़िलहाल आइडिया यही है, बाकी देखते हैं क्या होता है। और अभी सब उठ रहे हैं। गुड मॉर्निंग मैम, सब रेडी? वैसे मैम आप तो उठने वाले नहीं थे। कैसा है? अच्छा सा लग रहा है उठने के बाद। नो फ्रेश एयर दिल्ली से तो बहुत अच्छा। दिल्ली का एकदम वो बोले तो फ्लश एयर या फ्रेश एयर। वाह वाह, क्या लाइन मिली मेरे को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। उठ गए तुम? बहुत बढ़िया। अरे नहीं नहीं नहीं, बाहर आ जाओ, चाय लग गई है, सब आएंगे। और चाय भी लग गई है। को और सबकी बाइक स्टार्टअप हो रही है। बाइक का शानदार आवाज सुन सकते हो उधर। तो लाइनअप में लग रही है बाइक। लाइन 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 इधर इधर इधर। तो सारी बाइक लाइन में लग रही हैं, देन स्टार्ट होता है। ये हमारी वुजॉय रेडी हो रही है। वेयर इज वुजॉय? रेडी। मेरे को इसी की बाइक पे जाना पड़ेगा, मेरी बाइक अलाउ नहीं है। बोला कि आपकी बाइक का लाना था हमको। मजाक कर रहा हूँ, ऐसे कैसे बोल सकते हैं बे। एंड पीछे का वेदर। आधी आधी काट के लेके जाएंगे अपन लोग। हाँ ए, बड़ा बड़ा प्यारा लग रहा है। बस यही अच्छा लगता है मुझे राइडिंग में, सारी बाइक लाइन में लग जाती हैं, उसके बाद लाइन में कोई नहीं चलती। लाइन में चलती है, मजाक कर रहा था मैं। तो रेडी रेडी। We'll be right back.
हुआ है कि बाइक आपस सबने रख दी है, आई मीन खड़ी कर दी है, तो थोड़ा बाइक को रेस्ट दे रहे हैं, अपने आप को भी रेस्ट दे रहे हैं, सब पानी वानी पी रहे हैं। तो अभी सब रुके हुए हैं क्योंकि रॉन्ग टर्न ले लिया है, जैसे मैंने बता दिया आपको, तो रॉन्ग टर्न ले लिया है। तो अभी वापस आप बाइक मोड़नी है, काफ़ी उबड़ खाबड़ आगे रास्ता है, बहुत ज़्यादा लाइक पत्थर पड़े हैं बस और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ से अभी अपन यू टर्न लेंगे, फाइनली 20 मिनट की मेहनत की बाद बाइक स्टार्ट हो गई है और अभी सर आगे लेके जा रहे हैं बाइक, मिलते हैं डेफिनेटली। करते कराते मरते मराते हम पहुंच गए हैं डेथ वैली, ये रही। ओके ओके, कमिंग कमिंग कमिंग, अक्को आवाज नहीं आ रही। कैसे लगा सर आपको आगे? इट्स अमेजिंग, इट्स लाइक नो अदर प्लेस नियर दिल्ली एनसीआर, ट्रूली ट्रू, डेफिनेटली बहुत मजा आया सर, मजा तो आना ही चाहिए। डेथ वैली को हिंदी में क्या बोलेंगे? ये रास्ता सबसे बहुत टफ है, अगर चलने में इतना मुश्किल हो रहा है तो जस्ट इमेजिन बाइक लाना कितना मुश्किल होगा और वापस लेके जाना कितना मुश्किल है। तो हम तो बाइक लेके आए नहीं है, बाइक वहीं पर खड़ी कर दी थी, चल के जा रहे हैं। अभी 2-3 बाइक नीचे और खड़ी है, उनको भी लेके आना है, बहुत टफ रास्ता है, उनको भी मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला उनको, हालत खराब होने वाली है उनकी सीरियसली। मैं तो नीचे देखना पड़ रहा है कि कहीं मैं टकरा ना जाऊँ किसी पत्थर से, गिर जाओ, क्योंकि जूते बड़े सिर्फ राइडिंग वाले शूज़ हैं, नॉट कंफर्टेबल ऑन ट्रैकिंग। ऊपर आ गया, सब ऊपर है, चलिए अब चलते हैं सीधा कैंप पे। क्या हुआ है कि मेरा DSLR गया, पूरा बैटरी लो हो चुकी है, तो अब मैं ऐसे कैम ऑन किया अपना, ब्रेकफास्ट टाइम 11 बजे, तो ब्रेकफास्ट में ये रहा, मैंने खा लिया, बहुत भूख लग रही थी। अच्छा
अभी फोटो शूट चल रहा था तो मैंने फोटो शूट किया बाइक का, अपनी बाइक का, डोमिनर का। तो अभी भी थोड़ा कैंप साइड आया हुआ, तो कैंप साइड में मैं लुक एट अभी बाइक का शूट कर ही रहा हूँ। मैं पूरा टाइम आज मेरा बाइक शूट पे निकला, एंड जो एंटरटेनमेंट होनी थी वो एंटरटेनमेंट हुई पूरी। बाकी तो मेरा कैमरा एकदम बैटरी लो हो गया था और कैंप में लाइट नहीं थी तो चार्ज भी नहीं हुआ, तो फाइनली अभी दो बैटरी चार्ज हुई है। तो दो बैटरी चार्ज करके भी चार्ज किया है कैमरा और मैं फोटो शूट कर रहा हूँ, एंड देन छोटा मोटा व्लॉग अभी जस्ट अभी स्टार्ट किया। अभी देखते हैं आज की शाम यहाँ पे कैसी गुजरती है। दिन बहुत अच्छा गुजरा, कल की रात अच्छी थी। दिन सच में फंटास्टिक, पूरा दिन एकदम फंटास्टिक गुजरा। आप लोग इनके बारे में नेट पे बहुत कुछ पढ़ सकते हो, शायद पढ़ पाओगे भी नहीं, इतना सब कुछ है। सो इनके आने से चार चांद लग गए और पांचवा चांद वो घूम रहा है, वो मनोज भैया घूम रहे हैं। सो हमारे पास पांच चांद है। अशोक सर, दिस इज फॉर यू, फॉर योर प्रेजेंस टू यू नो बेस्ट ऑफ द ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। सब डिनर के बाद मजे से आराम से बैठे हैं, किधर काफ़ी ठंड बढ़ गई है तो अभी बोन फायर के सब मजे ले रहे हैं। अपना सर्टिफिकेट वाला सब कुछ डन हो गया है, अपन अभी टेंट के पास आ गया। ऐसी किसी और का टेंट है तो यहाँ पे लाइट अच्छी थी तो मैं यहाँ पे आ गया, तो सर्टिफिकेट वाला प्रोग्राम पूरा डन हो गया है। अभी हम रैप अप करें वीडियो का, सबको सर्टिफिकेट मिल गया, मेरे को भी मिल गया, हमेशा की तरह मिलता है। आई लाइक इट, सीरियसली मजाक था, मिल गया, राइट पे आया ना तो मिल गया। मिलते हैं अगले प्रसारण में, तो बने रहिए राइडोहोलिक पे और आप हमारा आपका न्यूज़ चैनल राइडिंग वाला। सो बाय। तेरी यादों में जागा।